हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल ओ एम के क्रिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माउस, जो इनपुट डिवाइस का सेकेंड कंपोनेंट्स भी है। तो आइए देखते हैं कि माउस क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक बहुत ही लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज ए वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस। यह एक बहुत प्रसिद्ध कर्सर नियंत्रण उपकरण है। यानी कि माउस एक कर्सर नियंत्रण उपकरण है, यानी कि कर्सर को कंट्रोल करने वाला उपकरण है। हैविंग ए स्मॉल प्लम साइज बॉक्स विद ए राउंड बॉल एट इट बेस, जिसके आधार पर एक गोल गेंद के साथ एक छोटे से हथेली आकार का बॉक्स होता है, जिसे हम लोग प्लम बॉक्स भी कहते हैं। विच सेंस द मूवमेंट ऑफ द माउस, जो माउस की गति को भाप लेता है। एंड सेंड क्रोस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू द सीपीयू, और सीपीयू को सिग्नल्स देता है। यानी कि जो भी हम लोग सिग्नल माउस के थ्रू देते हैं वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है। वेन द माउस बटन एट प्रेस, जब भी हम लोग माउस का बटन प्रेस करते हैं तो वो सिग्नल जनरेट करता है, जो सिग्नल सीपीयू तक पहुंचता है। यानी कि माउस एक बहुत ही लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। और यह माउस जो होता है वो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और जो भी हम लोग माउस की सहायता से सूचनाएं प्रेषित करते हैं, यानी कि ऑप्शन को चूज करते हैं, वो सिग्नल सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका माउस, जिसमें दो बटन्स होते हैं और एक स्क्रोल बटन होता है। मैं अगले डिफिनेशंस में यही बताने वाला हूँ। जनरली इट हैज टू बटन्स कॉल्ड द लेफ्ट एंड द राइट। यानी कि जनरली इसमें दो बटन्स होते हैं, पहला होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट, जिसमें एक बीच वाला भी बटन होता है, इसे स्क्रोल बार कहते हैं। एंड द व्हील इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन, और बटनों के बीच एक पहिया मौजूद होता है, यानी कि इसे हम लोग स्क्रोल बार कहते हैं, जो एक पहिए के रूप में होता है। ए माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर। माउस के उपयोग से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कर्सर के पोजीशंस को। यानी ये जो हमारा पॉइंटिंग है, जो मैं अभी स्क्रीन पे घुमा रहा हूँ, इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं माउस की सहायता से। अगर माउस नहीं होता तो हम लोग इस कर्सर को कंट्रोल भी नहीं कर पाते ऑन द स्क्रीन। यानी कि जब भी हम लोग माउस को यूज करते हैं तो ऑन स्क्रीन पे यूज करते हैं। जब भी हम लोग अपने माउस को मूव करते हैं बाहर, वो स्क्रीन पर अंदर घूमता है। बट इट कैन नॉट बी यूज टू इंटर द टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। बट हम लोग कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते हैं माउस की सहायता से। यही इसमें एक मतलब कि डिसएडवांटेज, मतलब कि लाभ नहीं है इसमें। केवल हम लोग किसी भी ऑप्शन या किसी भी फाइल को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इसकी सहायता से कोई टेक्स्ट हम लोग टाइप नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि माउस के लाभ क्या है। तो एडवांटेज मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज है इजी टू यूज, इसे हम लोग आसानी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और ये महंगा भी नहीं होता है। और तीसरा है मूव द कर्सर फास्टर दैन द एरो कीज। ये माउस जो होता है वो कर्सर को मूव कर सकता है एरो कीज से भी ज़्यादा तेज, जो कीबोर्ड में हम लोग के एरो की होता है उससे ज़्यादा माउस कर्सर को मूव कर सकता है, यानी कि घुमा सकता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन करने की या उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और पहला वीडियो मेरा कीबोर्ड का है, आप उसे देखना ना भूलें।